ठीक है, डन है, बोले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बानी खान व्लॉग। गाइस आज मामा की शादी रहा है और बाबा रहे हैं पिज्जा केक और अभी हम खाने वाले हैं। हाँ, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बर्थडे थी 10 को, 10 जून को, लेकिन इतनी ज्यादा लेट हुई, इतनी ज्यादा वो क्यों लेट हुई है? मतलब क्योंकि दो दिन चले गए और दो दिन नहीं, 10 से 15 डेज में पूरे 5 दिन होते हैं। और पूरे 5 दिन इसलिए लेट हुई क्योंकि मैं लाहौर में नहीं थी, मैं थी पिंडी गई हुई, कुछ मैटर्स थे, फैमिली मैटर्स। इतने दिन से ब्लॉग नहीं बनाया तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो इसलिए अम्मी ने कहा कि चले ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अम्मी ने भी कहा और इनके बाबा ने भी कहा कि सालगिरह तो भी जरूर करनी है क्योंकि मेरा बेटा नहीं करता। और आज बाबा सोच में पड़े, बाबा सोच में पड़े, कोई नहीं सोच में पड़े, वो देखो कितने मजे से मोबाइल में देखो। हाय करते हैं गाइस को। हाय फादर, उनका एक यही काम है कि बस मोबाइल लिया और बस मोबाइल में लग गया। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो प्रेजेंट नहीं है, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कोई प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ अम्मी के कहने पे बर्थडे हो रही है क्योंकि हर साल होती है। तो मैंने कहा इस साल भी मिस नहीं होना चाहिए, बर्थडे लाजमी सेलिब्रेट होगी। तो प्रेजेंट सिर्फ मैंने नहीं कहा, ये जो है इनके हस्बैंड ने भी कहा कि ये होगी 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 होगी, बोले ना कुछ तो, बोला होगी जरूर होगी, कुछ तो बोले भाई होगी। हाँ तो प्रेजेंट तो है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? प्रेजेंट तो दिया नहीं आपने मुझे, हाँ गोश्त गोश्त लाएंगे कुर्बानी का। मैंने ये कहा कि अगर तुम बर्थडे नहीं करोगी तो फिर जो जुलाई में इनकी हस्बैंड की बर्थडे आएगी, फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं भी नहीं करूँगा फिर इस तरह हो जाएगा, मैं भी नहीं करूँगा, फिर गलत हो जाएगा। प्रेजेंट नहीं है कोई बात नहीं, प्रेजेंट तो लेते रहेंगे, होता रहेगा। और विदाउट प्रेजेंट जो है वो बर्थडे होगी अभी, जिसमें लेकर आए हैं केक और कुछ क्या लाए, जो कुरान का और तहरीन का फेवरेट है पिज्जा। हाँ जी, केक और पिज्जा लाए। तो बस हम उसकी तैयारी करते हैं जल्दी से। मुझे बर्गर नहीं पसंद, पर मुझे बहुत ज्यादा पिज्जा पसंद है। गर्मी इतनी इतनी ज्यादा है कि अभी हमने ये कूलर बंद किया है, कूलर चल रहा था, कूलर को बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं सॉरी ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अगर कूलर चल रहा होता तो मेरी वॉइस नहीं आती है। अब मैं प्रॉपर हमारी एक तैयारी होगी, छोटा सा गेट टुगेदर जो हमारी अपनी फैमिली के साथ है, बस जिसमें कोई भी नहीं है बाहर का, और बच्चे हैं, हस्बैंड है, अम्मी है, और क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आप देखिएगा कि हम किस तरह से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप उठाएं शान, आइस केक लेकर आए। ये आयान गंजा हो गया है, गंजा हो गया आयान, कैसा लग रहा है? कैसा कैसा लग रहा है गंजा हो गया आनी है? बर्थडे किसकी है, किसकी बर्थडे? हाँ तो कोई भी प्रेजेंट नहीं दिया आप लोगों ने, कैसी बर्थडे है ये? एक प्रेजेंट है। क्या? हैप्पी बर्थडे टू। ये प्रेजेंट है? वाह, ये कैसा प्रेजेंट? नहीं एक एक प्रेजेंट है ना, ये चलो जी। बर्थडे मेरी, बर्थडे मेरी क्या खुद खा रही है ये देखें, डबल दोबारा खा रही है। तो क्या है ना, मैं अरे अल्लाह माफ करे, कैसे हैं आप? एक और खा ले। तो वाह, पापा मम्मा को एक स्लाइस खिला बस।
इसको सबर ही ठंडा हो जाएगा। फिर तब तक तहरीम को मैं केक खिलाना भूल गई, मुझे भी तो चाहिए केले केले केले। इतना बड़ा मुंह खोला फातिमा ने। ये बात मैंने पिज़्ज़ा मत खा लो ना, गर्म है ना, केक बाद में खा लेना। ये भी पसंद की चीज़ है जो केक तुम लाया ना। मजे का है फ्लेवर। कितने का पिज्जा है मैं पूछ रही हूँ, बताओ। मजे का ही इतना। ब्लॉग में बताओ कितने का पिज्जा है ये। 98% चांस है कि बाबा ये बता दे। अगर तो देखा जाए दूसरे देखा जाए तो इसकी कीमत है इसकी वैसे ही है 1800। हमने आपको बता दिया ये पिज्जा कितने का है और इतना टेस्टी, इतना मजे का, इतना कितना मजे का है जरा मैं खाकर तो देखूं। इतना मजे का है आपने क्या हुआ यार? क्या हुआ? कपड़ों में गिरा दिया कपड़ा। अच्छा और सबसे बड़ी बात ये कि स्पाइसी नहीं है ना। सब चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं फिनिश्ड। थोड़ा सा मुझे लाउडली बोलना पड़ेगा। पिज्जा बहुत मजे का था, बुरहान को भी बहुत अच्छा लगा और गिफ्ट जो है वो ड्यू है। वो है क्या, कब देंगे गिफ्ट बताइएगा? गिफ्ट कब? छोटा गोल्ड, बड़ा गोल्ड, बड़ा गोल्ड, बड़ा गोल्ड। मैं चाहता हूँ कल ही मामा को गिफ्ट मिल जाए, मतलब कैसे भी चुप चुप आके आप गिफ्ट दिए। देखो ना नहीं खाया क्योंकि अयान ने ना पहले खाना खा लिया था, इसलिए फिर अयान ने पिज्जा खाया ही नहीं। लेकिन उसके खाया और उसके इस हिस्से का, इसलिए हमने ये वाला पाई, ये वाला पीस हमने अयान के लिए रख दिया। और जो भी ये खाता है अयान अपने नाखूनों से
नहीं, मैं आपको, मैं तो कब से कह रही हूँ आपको, मैंने आपको दोपहर से नहीं कहा था कर ले, तो अभी सब जाएंगे आप, मैं चलो तो अकेले फिर आप कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को कहाँ जा रहे अयान ने अपना हिस्सा खाना शुरू कर दिया गाइस, और अगर अयान बचा लेता तो कौन खाता अयान? मैं। फिर आपा खा लेती? दोनों खाते फिर ये, है ना? मेरे बच्चे का हिस्सा खा जोगे? अयान की टिंड हो गई, कितना पाला लग रहा है अयान, तो टिंड के लगे कितनी पारी मिर्ची लग ली है मेरी, ये क्या ले रहे हो फ्रिज से? अब इसको कोक चाहिए, आइसक्रीम नहीं, कोई नहीं खानी, अभी सारी चीजें एक साथ खाओगे? हाँ कल कल, नहीं रात को, अयान को कोक चाहिए, अयान को क्या नहीं चाहिए, अयान को छप चाहिए, मोटे टिड्डू को, टिड्डू देखिए अयान का कहाँ आया हुआ है, फातिमा ही पकड़ना, तो ये इसमें से आ रही है ना, कूलर में से, कूलर में से आ रही है, गंजे के शौक पूरे, पिज्जा भी और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी, जी जी क्या कह रहे कोरियो ओरियो चॉकलेट, ये देखे ये रही, फातिमा जल्दी उठो ये फ्रिज में रखो, बाबा ने कहा मैं लेट खाऊंगा, लेट नाइट खाऊंगा, तो 11 बजे ये फ्रिज में रख दें, अल्लाह मेरे हाथ पे भी लग गया, मिस्ट्री में सही है ये रख दें फ्रिज में, इस बार शान ना क्रीमी लेकर आ गए है ना, स्पंज केक सही रहता है, प्लेट खाओगी बेटा हैं, बस हो गई ना साहब, उठ जाओ सारी चीज़ें समेटो, अपनी असली औकात में आ जाओ, जल्दी से किचन में लेके जाओ, मैं बर्तन धोने आ रही हूँ सारे, खड़ी हो जाओ, क्या हुआ है, उठो यहाँ पर आ जाओ, हम अब हम अपनी असली हालत में, क्योंकि काम है बहुत सारा, किचन समेटना है पूरा, छोटी सी एक गेट टुगेदर थी और काम इतना सारा जमा हो गया, अभी सारे बर्तन भी धोने हैं और किचन क्लियर भी करना है, उसके बाद बिस्तर लगाने हैं क्योंकि अयान ने टाइम से सोना होता है, और ये छुट्टियाँ बहुत सारी बच्चों की तो वैसे ही पड़ चुकी हैं क्योंकि समर वेकेशन है, और अब ईद की भी छुट्टियाँ हो गई, हस्बैंड की भी, तो बस छुट्टियाँ छुट्टियाँ, मतलब ये कि घर में बिल्कुल ये नहीं कह सकते हम फ्री हैं, छुट्टियाँ हैं तो फिर और ज़्यादा काम होता है और मज़ीद काम बढ़ता जाता है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कैमरामैन कैमरे को बहुत हिला रहा है ये ना उसमें एक थप्पड़ भी लग सकता है मेरा, तो कैमरामैन कैमरे को बहुत हिला रहा है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।